जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI क्लर्क 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और अच्छे से जानकारी को समझने के बाद ही अपने फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट जॉब्स ज्ञान रूटीन है, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी जहां पर जानने को मिलेगा कि इसमें आपके 8773 पोस्ट निकाले हैं क्लर्क यानी कि जूनियर एसोसिएट की पोस्ट पर। एंड इसमें आप लोग 7 दिसंबर 2023 तक अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC और EWS को ₹750 पे करनी है। SC ST और विकलांग लिए कोई फीस नहीं है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ये ओपन कर लीजिए। इसको ओपन करने के बाद में आपके सामने यहां पर ये इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आने के बाद में आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस, आपके सामने यहां पर बेसिक इन्फो का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपने फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके यहां पर वेरीफाई करेंगे। एंड देन फिर आप आपका मिडिल नेम डालेंगे, नहीं है तो आप खाली छोड़ देंगे। देन आप यहां पर आपका लास्ट नेम एंटर करेंगे, लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर नीचे यहां पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर अगर आप कोई मोबाइल नंबर या फिर लैंडलाइन नंबर देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर ईमेल आईडी के अंदर आपको आपका एड्रेस ईमेल का डालना है और आपको @ से पहले का जो भी आपकी ईमेल में आता है वो यहां पर आपको इस वाले बॉक्स में लिखना है। फिर डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी ईमेल किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी gmail.com पर है तो मैं @ से पहले का इस तरफ लिखूंगा ईमेल आईडी में एंड फिर यहां पर gmail.com सेलेक्ट कर लूंगा। अब आपको अपनी पूरी ईमेल आईडी यहां पर डालनी है, कोई डोमेन आपको सेलेक्ट नहीं करना है। एंड देन सिक्योरिटी कोड डालने के बाद में जो भी जानकारी आपने यहां पर भरी है इन सभी को चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस, यहां पर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी आपकी डिस्प्ले के ऊपर दी गई है। साथ ही आपको सेम जानकारी ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है, तो इस जानकारी को आपको सेव कर लेना है। इसके बाद अब आप यहां पर आपका फोटो अपलोड करेंगे। फोटो का जो डायमेंशन है वो कितना होना चाहिए वो आप यहां पर देख लीजिए। इसमें यहां पर आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड करना है, उसमें आपको क्या लिखना है उसकी जानकारी भी आपको यहां पर दी गई है। ये लाइन आपको एज इट इज यहां पर लिखनी है। जहां पर नेम ऑफ द कैंडिडेट है वहां पर आपको आपका नाम लिखना है और डेट ऑफ बर्थ के सामने जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको लिखनी होगी। अभी यहां पर हम फोटो की बात करें तो फोटो का जो डायमेंशन है 4.5 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर रहना चाहिए। साइज 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। एंड पिक्सल के रूप में अगर आप डायमेंशन देखना चाहे तो आप यहां पर देख सकते हैं 200 से लेकर के 230 के बीच में आपका पिक्सल हो। एंड जो साइन है इसका साइज डायमेंशन के रूप में 140 × 60 मांगा है और साइज 10 से 20 केबी के बीच में रखा है। तो यहां पर दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आप अपना जो फोटो साइन है वो बनाएंगे और इसके बाद में स्कैंड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट के ऊपर आकर के जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, यहां से ओपन करना है। तो आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। अब आप यहां पर टिक करके इसको कंफर्म कर देंगे एंड देन जहां पर आपने आपकी साइन की फाइल बनाई है वो आप सेलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद में यहां से ओपन करेंगे और फिर आप इसको भी इस तरह से वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आती है आपके सामने यहां पर स्टेप 3 की जानकारी जहां पर है सर्कल। तो आप किस सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सर्कल आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहां से लखनऊ न्यू दिल्ली सेलेक्ट करते हैं। सभी सर्कल के लिए अलग अलग वैकेंसी है, मैंने ये सेलेक्ट किया। इसके बाद में आता है सर्कल प्रेफरेंस फर्स्ट फॉर अलॉटमेंट इफ सेलेक्टेड, यानी कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते तो फिर आप पहली प्रेफरेंस किस सर्कल को दे रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। सेकंड आपको किसको देनी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, कौन सी स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो मैंने लखनऊ यहां पर सेलेक्ट किया, तो यहां पर मेरे लिए उत्तर प्रदेश स्टेट आ चुकी है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आता है लोकल लैंग्वेज फॉर लोकल फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो यहां पर अगर आप यूपी में अप्लाई करते हैं तो इसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी और उर्दू है, तो मैं यहां पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूं। अब एक सवाल है कि डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, यानी कि यहां पर जो आपने ये लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट की है क्या ये आपने 10वीं या 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी है। अगर हां तो यस कर दीजिए, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आती कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइस, जैसे कि मैंने एसटी सेलेक्ट एससी सेलेक्ट किया, अगर मैं एसटी सेलेक्ट करता हूं तब भी
यहाँ पर सबकास्ट मांगी है, तो जो भी आपकी सबकास्ट है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर एक सवाल है कि अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो आप यहाँ पर उसके ऊपर टिक करेंगे, ये तभी आपके सामने एक्टिव होगा जब आप जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हीं पर उन्हीं के बाद में EWS कैटेगरी में आप काउंट होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आता है आर यू ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ SBI, क्या आप SBI अप्रेंटिस रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद अगर आप यस करते तो फिर आपको टाइम पीरियड बताना है अप्रेंटिसशिप का, कब आपने स्टार्ट की थी और कब आपने एंड की थी। फिर आता है कि क्या आप विकलांग हैं और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप है और आप यस कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर बाकी क्वेश्चन के आंसर यस नो में करने, जहाँ पर विकलांगता से जुड़े हुए कुछ सवाल आपसे पूछे हैं। जो कैंडिडेट इसमें नो करेंगे उनके सामने ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा, उनके सामने एक और ऑप्शन है जो कि विकलांगता से ही जुड़ा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई भी आपको विकलांगता नहीं है और कोई भी आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस वाले ऑप्शन में जो कि यहाँ पर आपके सामने है इसमें भी नो कर देंगे। फिर यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर एक सवाल है कि आपका रिलीजन कौन सा है, तो जो भी आपका रिलीजन है वो आपको सेलेक्ट करना है। क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। फिर एक सवाल है कि क्या आप जो छूट मिलती है विडो डाइवोर्स्ड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड वुमेन को, क्या वो आप चाहते हैं, अगर हाँ उसके लिए क्लेम करें तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। अगर आप एक डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। फिर आता है कि क्या आप एक डिपेंडेंट है सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन के डीएक्सएस, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन SBI इन द क्लरिकल कैडरे, अगर आप क्लरिकल कैडरे के अंदर SBI में पहले से काम कर रहे हैं तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगला सवाल आता है कि हैव यू अर्लर एम्प्लॉयड इन SBI एंड रिजाइंड फ्रॉम द बैंक व्हाइल इन क्लरिकल कैडरे, यानी कि क्या आपने क्लरिकल कैडरे की पोस्ट पर रहते हुए SBI से रिजाइन किया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर एक सवाल है कि डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट, क्या आपके ऊपर कोई डिफॉल्ट रिकॉर्ड है रीपेमेंट ऑफ लोन्स क्रेडिट कार्ड, अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर यहाँ पर इज आर दीज एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर मॉरल टर्पिट्यूड, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, ना लोन का ना फिर कुछ ऐसा वैसा, तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर देंगे। अब आता है स्टेट यूटी टू विच दी प्रिलिमरी एग्जाम सेंटर बिलोंग, आप कौन सी स्टेट के अंदर आपका जो प्रिलिम एग्जाम है वो रखना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसकी किस सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो सिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन जो आपका मेन एग्जाम सेंटर है वो आप किस स्टेट में रखना चाहते हैं और उसकी किस सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। ये करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने एक ऑप्शन है कि आई इंटेंड टू ब्रिंग दी फॉलोइंग ID व्हेन अपीयरिंग फॉर द एग्जाम, आई कन्फर्म माई नेम ऑन दिस ID एंड दिस एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच। आप इसके ऊपर टिक करने के बाद में कोई भी एक ID सेलेक्ट कर लें, जो भी ID आप सेलेक्ट करें उसके अंदर नाम और जो आप इस फॉर्म के अंदर भर रहे हैं वो नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसके बाद जो ID आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर आप यहाँ पर भरेंगे। फिर आता है काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर इन प्रीलिम एंड मेन एग्जाम, हाउ यू वुड लाइक दी पेपर टू बी प्रेजेंटेड टू यू, यानी कि आप किस लैंग्वेज में अपना पेपर देना चाहते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, तो जो भी आप देना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, इसके बाद आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो आप इस सवाल में यस कर देंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप जुड़वा है तो यस करने के बाद में आपको आपका जुड़वा का जेंडर और उसका नाम भी बताना होगा। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आप यहाँ पर बताइए, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर आपके फादर का फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, मिडिल नेम एंटर करेंगे, लास्ट नेम एंटर करेंगे, सेम वे में मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम दे देंगे। शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर आपके पति पत्नी का नाम देंगे। एंड देन यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का लिख देंगे। और फिर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर लिखनी है, स्टेट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में गाइस यहाँ पर जो भी आपका पिन कोड है वो आपको डालना है। एंड अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। एंड इसके बाद में आप गाइस यहाँ पर सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, आपकी क्वालिफिकेशन 31/12/2023 तक कम्प्लीट हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर आइए ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट के सेक्शन में आपको बताना कि आपने आपकी क्वालिफिकेशन कम्प्लीट कर ली है। अगर आप कर रहे हैं तो आप अपीयर्ड सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको पास सेलेक्ट करना।
करना है। फिर आपकी डिग्री इनमें से कौन सी, अगर इनमें है तो वो सेलेक्ट कर लेने, तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी डिग्री का नाम यहाँ पर दे दे, अगर इन्हीं में है तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी, या तो आपके आपके कॉलेज का नाम देना है या फिर जहाँ से आपने की है उस यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, आपकी यूनिवर्सिटी नहीं आ रही है, तो खुद से भी आप आपकी यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज का नाम दे सकते हैं। कब आपने पास कर ली थी वो डेट, मंथ और फिर यहाँ से जो भी आपका ईयर है पासिंग का वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आप देखेंगे परसेंटेज, तो आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर लिखिए, और क्लास आपकी क्या थी वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं। इसके बाद इंटीग्रेटेड डबल डिग्री अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर आपका जो स्टेटस है पहले वो बताइए, अपीयर्ड है या फिर पास है। फिर यहाँ पर डिग्री सब्जेक्ट, इसके अलावा फिर आपका डिग्री कॉलेज का नेम, एंड देन यहाँ पर आपको डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज और आपकी क्लास। अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अब आते हैं वर्क एक्सपीरियंस, तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आप नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर उस कंपनी या फिर उस बैंक का नाम देंगे जहाँ पर आपने काम किया है, डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है, फ्रॉम के नीचे जो डेट मंथ ईयर है यहाँ पर आप वो डेट मंथ ईयर सेलेक्ट करेंगे जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और टू के नीचे जो डेट मंथ ईयर है यहाँ पर आप वो डेट सेलेक्ट करेंगे जब आपने जॉब छोड़ी थी। किस तरह का आपकी जॉब का नेचर था, ड्यूटीज क्या थी वो आप बताइए, क्यों आपने जॉब छोड़ी उसका कोई भी रीजन आप यहाँ पर दे दीजिए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। अदर डिटेल में आता है कि क्या आप वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं जो कि SC ST OBC एक्स सर्विसमैन DXS को मिलती है, अगर हाँ तो आप यस कीजिए और फिर बताइए कि कौन सी स्टेट के अंदर आप लेना चाहते हैं और उसकी कौन सी सिटी को आप यहाँ पर जो ट्रेनिंग है उसके लिए प्रिफेयर कर रहे हैं वो आपको बताना है। एंड देन यहाँ पर आता है लैंग्वेज नोन, जैसे कि हिंदी यहाँ पर है तो हिंदी आपको पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो आप तीनों के ऊपर टिक कर देंगे। इसके बाद में जो आपको दूसरी लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिखिए और उसका स्टेटस बता दीजिए। फिर आपको यहाँ पर जो तीसरी लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिखिए और उसका जो स्टेटस है वो भी आप यहाँ पर बता दीजिए। कोई और भी लैंग्वेज आती है तो वो लिख करके बता सकते हैं कि मुझे पढ़नी, बोलनी, लिखनी या फिर बोलनी नहीं आती, या फिर पढ़नी नहीं आती, या फिर लिखनी नहीं आती, जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। जो है उसके ऊपर टिक, जो नहीं है उसके ऊपर अनटिक। एंड देन अब आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी, इसका प्रीव्यू आपके सामने है, आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक कीजिए। एंड चेक करते हुए आप यहाँ पर आइए और आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर आपको बोला है कि आई कन्फर्म डैट माई नेम एज फिल्ड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माई ID प्रूफ। यानी कि अगर आपने जो फॉर्म के अंदर नाम भरा है वो और जो आपकी ID के अंदर नाम है उसके अंदर अगर आपका नाम बिल्कुल सेम है तो यहाँ पर आप इसके ऊपर टिक करेंगे। बट अगर आपका ID के अंदर नाम अलग है और आपने इस फॉर्म के अंदर नाम अलग भरा है तो आप यहाँ पर तीसरे वाला टिक करेंगे। बट अगर बिल्कुल सही है तो फिर आप इसको टिक नहीं करेंगे। एंड देन कंप्लीट रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे, एक बार फिर से ओके कर देंगे। अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर लीजिए, आपकी थंब इंप्रेशन की फाइल आ जाएगी। अब आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इसमें आपको क्या लिखना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये जो लाइन आपको दी गई है ये लाइन आपको लिखनी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने हैंड से, एक ब्लैंक पेपर यानी कि कोरा कागज लेना है। यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट पर जो नाम आपने फॉर्म के अंदर भरा है वो नाम अपना लिख देना है, और डेट ऑफ बर्थ के बाद में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है जो आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है वो आप लिख देंगे। बाकी की लाइन आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर आपको दी गई है। ये सेम लाइन यहाँ पर मैं हमारी वेबसाइट के ऊपर भी डाल दूंगा जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया भी है, ये लिंक आप ओपन करके हैंड रिटन डिक्लेरेशन के ऊपर आकर के लाइन यहाँ से भी लिख सकते हैं। एंड फिर आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड करेंगे। एंड देन यहाँ से ये फाइल जब आपकी अपलोड हो जाएगी आप इसको ओके कर देंगे। इसका साइज आपका 100 KB से कम रहना चाहिए। ये करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ओके कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भरेंगे उनके सामने इसके बाद में जो फीस का अमाउंट है वो वेरीफाई करने का सेक्शन आएगा। एंड जैसे आप उसको वेरीफाई करते हुए सिक्योरिटी कोड डालेंगे तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा और आप अपनी एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन माध्यम में किसी भी वे में जमा कर पाएंगे। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तब जाकर के आप ये फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड फिर यहाँ पर आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप SBI क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। गाइज मैं ये वीडियो आपके लिए रात में ही बना रहा हूँ। अगर मैं अभी आपको टाइम बताऊँ तो रात के 12:14 हुए हैं। अभी लिंक एक्टिवेट हुआ था और अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जब तक मैं इसको पब्लिश करूंगा तब तक रात का 1 बज जाएगा। ये मैं आपके लिए स्पेशल एफर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको सबसे पहले सही वे में अपडेट दिया जाए। तो अगर आपको भी लगता है कि मैंने कुछ स्पेशल किया तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। कोई सवाल डाउट हो वो भी आप पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेरी तरफ से गुड नाइट।